हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियरली समझ लें, देख लें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टेटमेंटल ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो इस लेक्चर में हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। वैसे तो हमने रिलेशन फंक्शन 11th में कर लिया है उसका बेसिक, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा एक बार और यहाँ कर देते हैं। तो रिलेशन और फंक्शन से पहले सेट डिफाइन है अपने को, भी सेट क्या है। तो सेट वाला जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ऑर्डर पेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर पेयर क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन एनी ए बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर। देखो क्या है, ए और बी दो सेट है। लेट ए एंड बी बी टू सेट। सेट्स को अच्छी तरह समझते हैं हम। सेट क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ए एंड बी बी टू सेट्स एंड ए बिलोंग्स टू ए। ए से मतलब यहाँ एक एलिमेंट नहीं है, ये जो ए है वो एक सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बी बिलोंग्स टू बी, बी कोई बी का एलिमेंट है, एनी एलिमेंट कोई भी हो सकता है। देन एनी ए बी, ए बी से मतलब क्या है, पहला एलिमेंट हमने ए सेट से, इस सेट से उठाया, दूसरा जो एलिमेंट है हमने बी सेट से उठाया। तो ए एंड बी कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। समझ में आ गया? जैसे दैट इज ए 1 2 3, बी ए बी कोई भी हो सकता है, ये सेट आ गया। तो यहां जो ऑर्डर पेयर काफी सारे बनेंगे, तो ऑर्डर पेयर को हम इस ब्रैकेट में रखते हैं, जैसे 1a 1b 2a 2b आर ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्लियर हुआ ऑर्डर पेयर। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो दूसरा फर्स्ट दूसरा देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या फिर इसको बोला जाता है क्रॉस भी कई बार बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर पेयर से ही है। तो क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्लियर हुआ? क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या है ये टी है यहां, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सारे ऑर्डर पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं, उन सबका जो सेट है वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए जैसे ए है अपने पास में 1 2, और बी ले लेते हैं ए बी सी। तो यहां अगर हमें निकालना पड़े ए क्रॉस बी से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ऑर्डर पेयर बनाओ सेट। सेट को हमें पता है 11th में हमने किया था, सेट इस कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका टोटल ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c,
ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। क्लियर हुआ, ये है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट साथ के साथ और देख लेते हैं, देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां देखो थोड़ा सा एलिमेंट की बात आ गई, यहां देखो ये पूरे का पूरा जो एक ऑर्डर पेयर है ना, इसका एक एलिमेंट बनेगा, पूरे का पूरा जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट बनेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए अपने पास में, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यहां पे हो जाएगा एम इंटू एन, यानी कि एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। अभी आते हैं, अपना ऑर्डर पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, अभी आते हैं हम रिलेशन पे। तो देखते हैं, हाँ जी स्टूडेंट, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो टॉपिक है रिलेशन। और तो रिलेशन क्या है, अभी हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस बी किया है, रिलेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन दे दें इसका। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अंडर सम गिवन कंडीशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, और सबसेट का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशन दे देता है, हमें ए सेट दे देगा, बी दे देगा, और कुछ कंडीशन डाल दी कि हमें इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाने हैं। समझ में आ गया, डिनोटेड बाय आर से डिनोट किया जाता है, और आर को डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, अच्छा एक शिकायत तो हो सकती है आपको, क्या कि कई बार आता है कि आप बहुत छोटे लिख रहे हो, तो वो इसलिए होता है कि आप देख रहे हो स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, और बार बार बोर्ड को साफ करना, और ये तो समझ गए ना हम, तो अभी आते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेफ्ट एग्जाम्पल, ए कोई सेट है अपना 1 2 3 4 5, बी कोई सेट है 1 2 3, या फिर यहाँ से कर दिया 2 3 4 5 6, ठीक है, और आर को डिफाइन कर दिया, आर डिफाइन कर दिया, एक्स वाई से कर देते हैं या ए बी से। अब यहाँ हमने सेट को ए और बी लिया, तो यहाँ एलिमेंट यानी कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, समझ में आ रहा है ना, एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस 3, ये हो गया अपना रिलेशन। बी का मतलब यहाँ ए और बी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लेना है, सेकंड से लेना है, और बी, बी का मतलब जो सेकंड सेट है वो, बी का मतलब जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट है वो ए प्लस 3 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज्यादा है, तो इसका आर क्या बन जाएगा बोलो, बी, बी का मतलब सेकंड एलिमेंट ए प्लस 3, यानी कि एक इससे 3 ज्यादा है तो क्या आ जाएगा 1, और 3 ज्यादा है तो क्या आ गया 4, 2 6 3, एक और 3 4, 2 और 3 5 3 और 3 6 4 7, पर ये देखो 7 है वो बी से बिलोंग नहीं करता ना, तो ये 7 इसमें नहीं आएगा। तो ये आ गया अपना रिलेशन, इसको हमने प्लस 1 में भी किया था, सोचा थोड़ा थोड़ा अब इसमें और कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। अब रिलेशन आने के बाद बात करते हैं इनका रेंज, डोमेन, कोडोमेन।
तो यहां आता है डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर यानी कि डोमेन क्या है इसको मैं एग्जांपल चलू, डोमेन ऑफ आर क्या होता है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का क्या कहलाता है डोमेन। तो जैसे मैं यही लिखे हम यही एग्जांपल दें तो देखो डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ आर ठीक है, इसका डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, क्या हो गया वन टू एंड थ्री, क्लियर क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं रेंज का, तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होता है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ आर इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर ठीक है। जैसे इन फर्स्ट हमने ये डाला तो सॉरी क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया गया, कंपोनेंट कोडोमेन पे आ गया है, ये इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ आर। तो इन फर्स्ट रेंज क्या हो गई, रेंज हो जाएगी अपनी सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव सिक्स। अब आता है कोडोमेन थर्ड पे, इसमें एक चीज और दिखेंगे इसका, ये तो मैंने जो दिया है वो टेबलेट फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म या टेबलेट फॉर्म, इसका दूसरा जो लिखेंगे वो अभी बता देंगे। उसके बाद आता है कोडोमेन, कौन सा आता है कोडोमेन ऑफ आर, आर का कोडोमेन यानी कि इफ आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ आर। समझ में आ गया, अगर यहां अगर ए टू बी रिलेशन हमने डिफाइन किया था, ए सेट ये दिया था बी ये दिया था, तो कोडोमेन कौन सा हो जाएगा सेकंड पूरे का पूरा सेट, तो देयरफॉर तो कोडोमेन ऑफ, कोडोमेन ऑफ आर यानी कि बी, क्लियर हुआ ठीक है। अब देखो अब डोमेन से मतलब क्या होता है, डोमेन से मतलब ये देखो कि अपना कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपना कोई सॉरी रिलेशन, फंक्शन का तो बार बार आता है, कोई रिलेशन अपने को डिफाइन किया गया है एफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहां डोमेन का मतलब, डोमेन का मतलब ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि ऑल, ऑल पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर विच कैन एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विच कैन एक्स टेक इन रिलेशन यानी कि जो एक्स रिलेशन में एक्स जो जो वैल्यू ले सकता है उनका सेट, क्लियर हुआ। इसी तरह से यानी कि अगर रेंज को करेंगे तो रेंज का मतलब क्या होता है वाई, वाई का मतलब ये कोई रिलेशन दे दिया, क्लियर हुआ। अभी देखेंगे रेंज डोमेन, रेंज कोडोमेन हो गया, अभी देखेंगे रिप्रेजेंट इनको कैसे किया जाता है रिलेशन को, तो भी देखते हैं हम। तो अभी आएंगे हम रिलेशन को डिफाइन कर दिया,
अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। अभी तक जो एग्जांपल हमने लिए थे वो हमारा टेबुलर फॉर्म था, यानी कि रोस्टर फॉर्म था। तो नंबर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, इस चीज को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म इसमें क्या है, ऑल ऑर्डर पेयर है उनका सेट बना जाता है, ठीक है। इन दिस वी इन दिस वी राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे अपना कोई ए फंक्शन 1 2 3 4, बी कोई फंक्शन है 3 4 5 6, और आर को डिफाइन कर दिया हमने, ये तो चलो रोस्टर फॉर्म है, आर को डिफाइन कर दिया कि आर आ गया अपना 1 3 2 4, और मैं इतने दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 4 3 5, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है कि जो ऑर्डर पेयर है उनको हमने लिख दिया, या फिर ये ना डालो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा फॉर्म हम लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कर दो, या एक्स वाई के जरिए यहां क्या कर दें ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, और यहां कोई कंडीशन अपने को दे दें। सुना इसका एग्जांपल यही मान लो आप, ठीक। उसके बाद थर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय एरो डायग्राम, बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या है, मान लो ये अपना फर्स्ट सेट है और ये अपना सेकंड सेट है बी 1 2 3 ए बी सी डी कुछ भी ले लो। तो अगर रिलेशन को डिफाइन जैसे ये कर दिया, कोई अपने को कंडीशन तो देगा, ये हो ये भी अपना क्या है एक रिलेशन है, क्लियर है। ये भी अपना क्या है रिलेशन है, और एरो डायग्राम से करते हैं इसको बाय लैटिस। लैटिस में क्या करते हैं हम डॉट यूज करते हैं। तो इन दिस फॉर्म वी यूज डॉट लैटिस, ठीक है। अब ज्यादा ना लिखते हुए इसको खाली डिफाइन कर देते हैं कैसे, जैसे अपना कोई रिलेशन है, जैसे आ गया 1 1 2 3 -1 -1 2, ठीक है, और 2 4, या माइनस का 2 4 कर दिया और इसको कर दिया हमने 2 4, ये रिलेशन है। अब इसको लैटिस में कैसे दिखाया जाता है, तो इसमें डॉट बना देते हैं हम कैसे, ये देखो ये ले लिया हमने एक्स एक्स, ये वाई एक्स ले लिया, सिंपल है ये भी। जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2। अब पहला क्या है 1 1, ये एलिमेंट आ गया यहाँ, समझ में आ गया ना। ये जो रिलेशन है ये इसमें डॉट से दिखा दिया हमने, उसके बाद क्या है 2 4 2 4 कहाँ आ गया, ये आ गया, फिर -1 2 -1 and 2 ये आ गया, ठीक है, -2 4 -2 -4 ये यहाँ आ जाएगा ना। अब इसका क्या करते हैं हम ऐसे कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, और ये सिर का आप पूरा कर दो, ये हो गया ये वाले,
ठीक है ना, ये वाला एक अपना कहाँ आया था, ये वाई एक्सिस है, एक एलिमेंट ये आया था और माइनस वन टू ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर है, ये तो हो गया। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार चार वे में करते हैं। और ये जो फॉर्म है हम टू लेवल पर बहुत कम यूज करेंगे, बहुत ही कम, कोई क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। अब आगे आते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अभी से इनका टाइप स्टार्ट होता है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो अभी टाइप ऑफ रिलेशन थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। पहला है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। इफ आर इज इक्वल टू फाइव, फाइव का मतलब समझते हो ना, कोई रिलेशन मतलब रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट हो, नंबरों का एलिमेंट ना हो, कोई रिलेशन ना बनता हो, उसको बोला जाता है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिवर्सल यानी कि पूर सारा आद है, सब कुछ आद है। इफ यहाँ क्या होता है, इफ आर इज इक्वल हो ए क्रॉस बी, आर का मतलब रिलेशन है, ए और बी कोई अपने को दो सेट दिए हैं, दोनों का ए क्रॉस बी के इक्वल हो, यानी कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं उनका जो कलेक्शन है उसके इक्वल आर हो, तब बोला जाता है उसको यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इसका डेफिनेशन, लेट अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, ए का ए के साथ है, then R is called identity if every A belongs to A is such that A belongs to R, if for every A belongs to A is such that A belongs to R। साइलेंसन माया, कहने का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है A सेट का A सेट पर है और हर एक एलिमेंट है वो खुद के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, खुद के साथ जुड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A अपना सेट है 1 2 3, देन आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन अपना बन गया आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ये यही एलिमेंट होनी चाहिए, इनके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो फोर्थ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन नाम से क्लियर हो रहा है, यहां जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, यानी कि लेफ्ट ए लेट आर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, देन आर इनवर्स इज डिफाइंड एज आर इनवर्स, ऐसे लगाते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा बी such that A belongs to A, B belongs to B, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे आगे पीछे, जैसे आई ई आर है अपना 1 2 4 5 6 7, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा 2 1
5 4 and 7 6 क्लियर है? ठीक है, अभी इसके आगे की टाइप पे चल रहे हैं हम। बस हो गया तो हाँ जी, आगे का जो पार्ट टाइप है इसका वो करते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिवो रिलीज। देखो डेफिनेशन जो आइडेंटिटी की है वही रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो लेट आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, ठीक। तो देन R is reflexive if AA belongs to R or all A belongs to A, यानी ये जो साइन होता है और all होता है, इस साइन इनके बारे में जिक्र करेंगे जो अपने रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ज्यादा लंबा हो जाए। If AA belongs to R or A belongs to A, यानी कि A to A अगर आपका कोई फंक्शन रिलेशन डिफाइन है तो आर को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा इफ ए ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए जुड़ा होना चाहिए। वही जो आइडेंटिटी में था जैसे 1 2 3 है अपना, तो यहाँ जो आर है आइडेंटिटी होगा तो 1 1 2 2 3 3, ये अपना रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी का भी यही किया था हमने। बट फर्क क्या है दोनों में, अगर हमने इतना किया तो ये अपना आइडेंटिटी हुआ, इनके साथ में अगर रिफ्लेक्सिव है तो दूसरा एलिमेंट और ऐड हो सकता है, कोई और ऑर्डर पे हम डाल सकते हैं, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, बस इतना फर्क है। बाकी डेफिनेशन जो स्टेटमेंट में डेफिनेशन है वो दोनों की सेम है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आते हैं हम सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक नाम से क्लियर है, सिमेट्रिक यानी कि अगर उसको इनवर्स करके लिखें तो उसकी इक्वल हो, ये कह सकते हैं हम सिंपल शब्दों में। तो लेट आर बी अ रिलेशन एंड ए पी बिलोंग्स टू आर, ए पी है वो आर का कोई एलिमेंट है, देन आर इज सिमेट्रिक इफ बी ए belongs to R, क्लियर हो गया। यानी कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी उसमें हो और इक्वल करें तो सिमेट्रिक आ जाएगा हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे आई पी आर है अपना 1 3 2 4 1 3 2 4 3 1 4। अब इसका सिमेट्रिक इसका रिलेशन हो जाएगा अपना, सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 1 3 2 4। अब देखो यहां 1 3 है तो इसके साथ में क्या जुड़ा होना जरूरी होता है, इसमें 3 1, ये दोनों सिमेट्रिक है अपने, 2 4 है तो यहां पे अपना क्या होना चाहिए, 4 2, तो R सिमेट्रिकल रिलेशन। अभी हम आते हैं ट्रांसटिव पर, ठीक है, कितनी क्वालिटी है, आगे आता है अपना ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव क्या है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव इफ ए सी बिलोंग्स टू आर, ये है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या सिंपल है कि मतलब इसका ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि दो नंबर ऐसी हैं ए और बी वो आर से बिलोंग करते हैं, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ, देखिए ए का बी के साथ और ये बी यहाँ पर आ गई बी का सी के साथ है,
अब तक ये कोई भी रिलेशन हुआ, बट ट्रांसटिव कब बनेगा? जब ए बी के साथ जुड़ा है, बी सी के साथ जुड़ा है, तो ट्रांसटिव के लिए जरूरी हो जाता है कि ये दोनों भी रिलेशन में एलिमेंट होने चाहिए, इनका भी पेयर होना चाहिए। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, देखो एग्जांपल देखते हैं इसका भी, जैसे दैट इज आर 1 3 3 4। अब देखो 1 3 के साथ है, 3 4 के साथ है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है। ट्रांसटिव के लिए जरूरी हो जाता है कि क्या 1 3 के साथ जुड़ा है, 3 4 के साथ जुड़ा है, तो इसके लिए ट्रांसटिव के लिए जरूरी हो जाता है 1 और 4 भी जुड़ा होना चाहिए, इज ए ट्रांसटिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 7th पे, एंटीसिमेट्रिक। इसकी कोई जरूरत तो इतनी पड़ती है नहीं, एंटी सिमेट्री। लेटर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी। ए और बी जुड़ा हो और बी और ए के साथ जुड़ा हो और लास्ट में हम देखें कि ए और बी इक्वल है, तो उसको बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद आता है आपका 8, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें कई बार अपना क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रूव दैट या चेक दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नो। तो इक्विवेलेंस कौन सा होता है? अ रिलेशन विच इज, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिंग सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस हाँ जी, अभी लास्ट करते हैं इसका, तो 9th पार्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये होता है 2 raised power mn। 2 raised power mn से मतलब m है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, हो आपको समझ में आए हैं। तो आगे चलने से पहले अपने लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये बेसिक थोड़ा ध्यान में होगा तो अपने लिए कोई मुश्किल नहीं आएगा। तो आगे के क्वेश्चन के लिए बने रहिए अपने साथ, चैनल के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट।